तो फाइनली गाइस हमारा जो गूगल एडसेंस का पिन है वो यहाँ पे डिलीवर हो चुका है हमारे घर पे। तो अभी मैं उसको दिखाऊंगा, उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार, पहले सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद दिखाता हूँ कैसे है हमारा जो गूगल एडसेंस का पिन। तो यहाँ पर एक मिनट में दिखा देता हूँ पहले आपको, क्योंकि आप मानोगे नहीं। तो यहाँ पर ये है हमारा गूगल का एडसेंस का पिन, जैसे कि आप देख सकते हो सामने से कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ पोस्ट ऑफिस वाले लिखे हैं और सामने से कुछ ऐसा ही दिखता है। और इसको मैंने अभी ना खोला नहीं है, और बैक साइड आप देख सकते हो, बैक साइड ऐसा दिखता है। इसके अंदर ना आपका एड्रेस रहेगा और फ़ोन नंबर डिटेल्स सब बैक साइड पे रहेंगे। तो अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर देना गूगल एडसेंस में जब आप डिटेल फिल करते हो। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर ना रिमूव करने के लिए यहाँ पर चार कॉर्नर्स में ना आपको ऑलरेडी ये होता है ना कुछ वैसे ही दिया है निकालने के लिए, हमको तो नहीं पता पर आप देख लेना। तो इसको कैसे निकालना है सब निकाल के आपको दिखाएंगे, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर से बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आने में कितने दिन लगे वो बताएंगे हम लोग। तो इसको आने में मेरे पास करीब करीब 4 महीने लग गए थे। वैसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले 2 AdSense पिन ऑलरेडी मैंने मंगवाया था, लेकिन उन्हें उसमें मैंने अपना जो फ़ोन नंबर डालना भूल गया था, तो इसकी वजह से वो मेरे घर पर डिलीवर नहीं हो पाया। लेकिन लास्ट वाले इसमें मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरा जो एड्रेस है उस वहाँ पे आके पोस्ट ऑफिस वाले ने मुझे फ़ोन किया, और अभी मुझे फ़ोन किया था, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी कुछ 10 मिनट पहले फ़ोन किया था, मैं गया और जाके मैंने ला दिया इसको। तो लाने के बाद तो बहुत खुशी मिली, क्योंकि गूगल की तरफ से बहुत दिन बाद आया ये, अगर ये नहीं आता तो मेरा जो गूगल एडसेंस है वो बैन कर दिया जाता। तो अभी बात करेंगे इसको ना कैसे आप अपना वेरीफाई कर सकते हो अपने क्रोम के ब्राउज़र पर, तो अपने फ़ोन से भी वेरीफाई कर सकते हो और अपने लैपटॉप से भी। तो चलिए पहले दिखा दूँ इसको फिर से एक और बार, ऐसा कुछ ये दिखता है। और इसको अभी ओपन करके मैं आपके सामने दिखाऊंगा, मैंने इसको अभी तक ओपन भी नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि आपके सामने ओपन करने में मज़ा ही अलग है। और जितने भी लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया फिर बता, फिर से सब्सक्राइब कर देना यार। तो अभी चलिए इसको ना पहले खोल लेते हैं, इसके अंदर सब कुछ देख लेते हैं। और उसके पहले मैं बता दूँ, इसको आने में ना आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पोस्ट ऑफिस वाले को कोई भी आपको चार्ज नहीं देना। तो चलिए अब खोल लेते हैं इसको पहले। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रिमूव एज साइड फर्स्ट, तो हम लोग ऊपर से इसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना चारों साइड पे, चारों ने तीनों साइड पे आपको दिया गया है रिमूव करने के लिए ऐसा पट्टिया। तो इसको आपको ना ऐसे रिमूव कर लेने, धीरे धीरे आपको पता ही होगा कैसे रिमूव करना है। वो नहीं आता तो उसके लिए भी आप यूट्यूब कर लेना। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको ना रिमूव करना है धीरे धीरे करके, आप लोग देख लो यहाँ पर साइड से इसको आराम आराम से रिमूव करना। अगर अंदर की चीज़ फट गई तो फिर सोच लो, अगर आपने 3 बार कर दिया तो फिर नहीं आने वाला हो, ठीक है। तो आराम से इसको निकालना, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, कैंची से भी निकाल सकते हो आप, बट ऐसा निकालोगे ना तो नॉर्मली भी अच्छा ही रहेगा निकालो, कैसा जिस आपकी मर्जी है। बस देखो जैसे मैंने अभी गलती कर दी, फाड़ने वाला था, बस आपको फाड़ने नहीं है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे निकालना है इसको, जैसे कि धीरे धीरे निकल जाए फुल, आप देखते रहना इसको कैसे निकालना है। देख लो ये तीनों तरफ से है, पहली बार शायद YouTube पे कोई दिखा रहा होगा इसको निकाल के, ऐसा तो कोई दिखाता नहीं है, ऐसे ही सिंपली हम वीडियो बना देते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर रिमूव कर दिया, थोड़ा सा फट गया लेकिन चलता है। और इसको देखो यहाँ पर कोड दिख गया, अरे भाई साहब। तो यहाँ पर ना कोड है, ये हमारा यहाँ पर कोड है, मैं इसको अभी छुपा देता हूँ वरना आप लोग चोरी कर लोगे। तो ये हमारा कोड मिल जाता है यहाँ पर, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ कोड, और यहाँ पर लिखा जाता है गूगल एडसेंस और कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसी में सब कुछ आपको मिल जाता है। और ये है कुछ, देख लो आप कैसा दिखता है इसके अंदर, सारा जो स्टेप्स है वहीं पे दे दिया गया है कैसे आपको वेरीफाई करना जाके। मैं तो दिखाऊंगा ही आपको, लेकिन ये लोग भी आपको दिखा रहे हैं पहले। तो चलिए चलते हैं आप स्क्रीन पर, कैसे वेरीफाई करना सिखाता हूँ। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रोम में आनी है, क्रोम में आने के बाद आपको एडसेंस लिख लेना है, मेरा तो ऑलरेडी आ चुका है लेकिन फर्स्ट दिखाऊँगा मैं आपको। यहाँ पर आप जैसे ही एडसेंस लिख देते हो, यहाँ पर आपको नीचे आना है, साइन इन टू गूगल एडसेंस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे उसको न्यू टैब में आप ओपन कर लेना, जिससे कि एकदम फ्रेश सा एडसेंस आपका अकाउंट खुल जाए। फिर आपको जो ईमेल आईडी जो आपका सेलेक्ट करनी है, जो आपने दिया था पहले एडसेंस के अकाउंट जिससे क्रिएट किया, वही आईडी आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली वही आईडी को यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेना उसी से। जैसे आप लॉगिन कर लेते थे, आप गूगल एडसेंस आता है, उसके बाद आपका जो पेज है वो ओपन हो जाता है। तो आपको सिंपली क्रोम में ना इसको डेस्कटॉप साइट में खोल लेनी है। अब इसको जैसे ही डेस्कटॉप साइट में खोल लेते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ आता है। तो आपको ना यहाँ पर 2 वेज है वेरीफाई करने के लिए, एक ऊपर आपको एक्शन बटन दिख रहा होगा, एक नीचे यहाँ पर वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हो उसको। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि नीचे तो आपका यहाँ पर एड्रेस सब कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, कब क्या डिलीवर हुआ सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। और यहाँ पर ना आइडेंटिफाई जो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन है ना, वो भी आपको दिख रहा होगा, ऊपर कंप्लीट बता रहा है।
बस एड्रेस वेरिफिकेशन बचा, जो आपका ये जो पिन है, क्योंकि आपका एड्रेस पे आता है तो ये एड्रेस वेरिफिकेशन होता है इसका मतलब। तो इस पे आपको ना टैप करनी है, टैप करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आ रहा है और रीसेंड का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली ना यहाँ पर कोड लिख लेनी है, उसके बाद इसको सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, इसको सिंपली आप एड्रेस चेंज करो और आपका जो फ़ोन नंबर है वो डालो और बस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप सबमिट में क्लिक कर देते हो, यहाँ पर देख लो ये कंप्लीट और कंप्लीट दोनों तरफ लिख के आ गया। ऊपर अभी भी दिख रहा है यहाँ पे वार्निंग, अपना एड्रेस वेरीफाई करो। तो इसको ना अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखना जो वार्निंग है वो हट जाएगी वहाँ से और आपका एडसेंस वेरिफिकेशन जो हो गया है पूरा तरीके से, आप देख लो जो वार्निंग हट चुकी है और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो ये कुछ था स्टेप्स आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो अपना एडसेंस को। तो ये सिंपल सा स्टेप था। अगर वीडियो पसंद था वीडियो को ना लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।